दर्द बहुत हो रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा। मम्मी मम्मी पैर मेरा तकिया लगा दे। जो वीडियो असी अज थानू दिखा रहे हैं ये कोई खबर तो नहीं, पर शायद इस नूं शेयर करन दे नाल किसे दा इलाज जरूर हो सकता है। ये दर्दनाक कहानी है फगवाड़ा दे ओंकार नगर दी, जिथे दी रहण वाली 25 साल हसीना जो कि पिछले 2 साल तो पैरालाइज दे अटैक तो बाद बिस्तर ते ही पई है। परिवार की गरीबी के चलते इसका इलाज भी नहीं हो पा रहा, तो यह बेचारी बिस्तरे पई हर वेले दर्द दे नाल कुरलाउंदी है। परिवार दी गरीबी दा आलम यह है कि घर दा गुजारा ही पूरी तरह दे नाल नहीं हो पा रहा, ते उस तो उपर इस दा इलाज ते महंगीआं दवाईआं जो कि परिवार लैण दे विच असमर्थ है। इस दे चलदे ही साडे वलों फगवाड़ा दे ओंकार नगर दे इस परिवार दा दर्द आप जी नाल सांझा कीता गया है, ताकि इस परिवार दी कोई मदद हो सके। ते जे कोई इस परिवार दी मदद करना चाहुंदा होवे, ओह इस वीडियो दे नाल परिवार दे नंबर दित्ते गए हन, उहनां ते संपर्क कर सकता है या फिर साढ़े नाल भी संपर्क कर सकता है। मैं विनती करती हूँ कि मेरी लड़की बहुत बीमार है, 2 साल से हमारे घर में खाना भी नहीं है। हमारे पास जितना था हमने लगा दिया है। आपकी बेटी है वो? नहीं, नरेंद्र है। क्या हुआ, क्या था उनको? 2 पैरालाइज हुआ था, हमने जलंधर से इलाज करवाया था, पर जलंधर से इलाज करवाने पे कोई फर्क नहीं पड़ा है उनको। आज 2 साल से हम इलाज करवा रहे हैं, पर आज बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई हैं। हम हाथ जोड़ के कह रहे हैं सभी भाई बहन से कि हमारी में हेल्प करें। पिछले 2 साल तो बीमार है, तो ये शरीर हाथ से कुछ बहुत दर्द हो रहा है, ऐसे हॉस्पिटल से ऐसे भर्ती कराया 2 साल पहले, तो काफ़ी चेर तो ये बीमार पड़ी है, तो इन न्यूरोलॉजी की प्रॉब्लम है। लॉकडाउन करके असी लैके नहीं जा सके, तो साढ़े को पैसे भी नहीं सके, इस करके असी प्रॉपर सही तरीके ना इलाज नहीं करा सकते हैं। साढ़े को पैसे भी खत्म है, नौकरी भी चे भी सीमित पैसे मिलते हैं सानू, इस करके हम सानू असी अपनी रोटी चलाइए जाए इलाज कराइए, सानू बहुत प्रॉब्लम हो रही है। इस करके आप जी ने बेनती है कि मेरी भैन का इलाज कराने से थोड़ी हेल्प मदद की जाए, तो मैं आप जी का बहुत धन्यवादी। हमारे मुन्नो नाम है। कहाँ रहते हो? हम 6 नंबर गली में उपकार नगर है। क्या प्रॉब्लम है आपकी बेटी को? वही बीमार है थोड़ा ज्यादा, साइड में सूजन आ गई है। किसी डॉक्टर वगैरह को दिखाया आपने? दिखाए थे, दवाई तो चली रही, आराम नहीं हो रहा। हाँ आराम नहीं हो रहा। कहाँ दिखाया था इसको? जलंधर। तो क्या बोला उन्होंने? वो कह रहा 4 दिन भर्ती करो, फिर दवाई चलते रहेगा। तो आपने लॉकडाउन के चलते लाने नहीं गए दवाई, पैसा नहीं था। क्योंकि सरकार से क्या मांग करते हो आप? सरकार की मांग करती है हमारी बेटी के कुछ मदद करे, थोड़ा ठीक हो जाए अपना।